Nice. I like it. बाय बच्चों, शाम को मिलते हैं। बाय द वे, टुडे इज अनंत चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी का आज आखिरी दिन है, तो पापा को हाय बोल के आते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। एंड फाइनली ये 5 महीने बाद ये ओपन हाईवे पे अपन आ चुके हैं। क्या मजा आ रहा है। राइट साइड में सूर्य नारायण जी का भी आगमन हो चुका है। रोड थोड़े डस्की है बट चल जाएगी, बिकॉज हम रियली 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 एंजॉयिंग इट। यू नो, 5 महीने गायब रहने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। बस इतना कहूँगा कि बस मन नहीं कर रहा था, सोचा ब्रेक ले लूँ, बट नाउ आई एम बैक। बाय द वे, आज के राइड में अपना भाई समीर अपने साथ नहीं है। 1 हफ्ते से मुंबई में बारिश नहीं हुई है, आई एम जस्ट होपिंग कि यहाँ पे ना हो। वैसे रेनकोट तो कैरी किया है मैंने, बट स्टिल कितना ही बचा लेगा वो। और भाई, एक बाइकर के लिए बारिश से गंदा मौसम कोई नहीं हो सकता, और कोई कोई बाइक के लिए विंटर भी। मुझसे ही पूछ लो, मेरे पास एक अपाचे थी जो ठंडी और बारिश पता नहीं क्या उसको हो जाता था, बंद हो जाती थी 2-3 घंटे के लिए हर रोज़। लगता है ज़िगज़ैग करना पड़ेगा, और हम यहाँ से जा सकते हैं। अरे कार वाले साहब, बाइक की लेन में क्यों चला रहे हो, बस क्यों? खैर तुम्हारी भी बात सही है, बाइक वाले कौन सा खुद की लेन में रह के चलाते, अरे आधे से ज़्यादा तो सांप बन के चलते हैं। बाय द वे, चैनल के नाम में चेंज किया हुआ दिखाई होगा, बहुत बड़ा रीज़न है उसके पीछे, बताता हूँ। नाम चेंज करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि बहुत सारे देसी नोमैड्स थे, तो ना मतलब यार क्या बोलूँ, वो क्या ज़बरदस्त है। हाँ तो मैं कह रहा था कि मुझे मिला के कुछ 16-17 देसी नोमैड्स थे, और पता नहीं बस मुझे कंपटीशन से शक नफरत है। कंपटीशन इंसान के अंदर के टैलेंट को दबा के इंसान को प्रेशराइज करता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर योर हेल्थ, इट्स नेवर गुड। सो नए नाम के साथ, गुड मॉर्निंग स्क्वाड लिमिटलेस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सही लगा कि नहीं? मुझे तो लगा। वेल, अपने स्टोरीज तो लिमिटलेस होने वाले, बट अपने एनर्जी लिमिटलेस नहीं है, तो आई थिंक बट आई नीड टू ईट समथिंग। लेट्स सी आगे क्या मिलता है। बाय द वे, ये रोड पे मैं और समीर इससे पहले भी आ चुके हैं। ऊपर ना डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा है, ठीक है। लो पे लिख गए थे हम लोग, क्या ज़बरदस्त जगह थी, तो देख लेना वो लोग इसको देखने के बाद, ठीक है। और नहीं भी रहेगा ना तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, डोंट वरी। अभी फ़िलहाल कोई मंजिल है नहीं, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। ये क्या है,
ओके आई थिंक आई शुड टर्न अराउंड। जाऊँ क्या वहीं पे? पता नहीं आगे कितना, चलो वहीं पे चले जाता हूँ। हाँ भाई तुमसे डरना लाजमी है। मुझे ज्यादा ही आगे निकल के आ गया। होटल पाउन चार, चलो देखते हैं क्या है। पाउन चार रहता है इधर। ओके तो अभी अपन रुके हैं होटल पाउन चार। मैंने एक मिसल पाव ऑर्डर किया। क्या खूबसूरत रोड है, नहीं निम्बस। और ये आ गया अपना मिसल पाव। I'll finish this and meet you on the bike. See ya. Okay. मैप चेक कर लेते हैं। तो मैंने होटल से निकल के मैंने तानसा का मैप लगा दिया था, तो मुझे तीन रास्ते दिखाए। पहला था 42 मिनट्स, दूसरा था 47 मिनट्स और तीसरा था 64 मिनट्स। तो मैंने अक्कड़ बक्कड़ करके बीच वाला सिलेक्ट करके 47 वाला ले लिया। तो चलो निकलते हैं। आई थिंक ये जो रोड हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, आज तक मैंने ट्रैवल किए हुए बेस्ट रोड्स में से एक है। टू बी ऑनेस्ट क्या मज़ा आया समीर भाई, बहुत मिस कर दिया तूने ये। और अभी फाइनली अपन ऑफिशियली तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं। वैसे जैसे जैसे मैं पीछे से आया ना, रोड में ऐसे नैरो होते जा रहे हैं और ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही नैरो है यार। ये टेंशन नहीं है, बस सामने से कुछ बड़ी सी फोर व्हीलर आई ना तो अपने को सांप बन के घास में घुसना पड़ेगा। उम्मीद करते ना आए। तो टाइम हुआ है 10:45, ठीक है। और जो इम्पॉसिबल ऐसा सीधा सीधा जाने वाला जो रोड मेरे सामने है ना, या कौन, तो जो सीधा सीधा जाने वाला रोड मेरे सामने ना, अगर ये ऑस्मो पॉकेट अगर इसको जस्टिफाई कर पाया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जस्ट मेरी बातों पे बिलीव कर लेना, बिकॉज द रोड इज़ रियली रियली ऑसम। मतलब ऐसे सीधा सीधा जहाँ तक नज़र जा रही है ना, इट्स जस्ट एंडलेस रोड। लेट मी टर्न इट अराउंड, सी वहाँ से एक छोटा सा क्या है वो ट्रक या समथिंग जो आ रहा है। तो बाय द वे ये वो पाइप्स है जिससे मुंबई में पानी आता है। ओके तो थैंक यू बोलो, कम ऑन यार, थैंक यू टू द पाइप्स। एंड अगेन दिस इज तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरे अपना निम्बस। ऑन द वे एक छोटा सा मंदिर दिखा। इट सीम्स टू बी वेरी वेरी ओल्ड बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो अंडरग्राउंड है, ठीक है। जो
शिवलिंग है, इट्स अंडरग्राउंड। तो पुराने मंदिरों में ऐसे होता था कि मतलब ऐसे कोई जो मंदिर होते थे जो यू नो खुदाई के काम में मिलते थे, तो उनकी ना जगह ऐसे कभी वो मूव नहीं करते, ऐसे हिलाते नहीं है वो, ठीक है। तो जहाँ है वही उन्हें रहने देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फिर उसके आसपास ये बांधा हुआ मंदिर है, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल टू बी ऑनेस्ट। चलो निकलते पुढ़ प्रवासाला। वेल आई थिंक आई फाउंड माय डेस्टिनेशन। ओके सेफ। तो वी आर एट तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके let me turn this thing around. Seriously, बोलते ना कि destination doesn't matter, you must enjoy the journey. If it had a face, it would have been like this. मतलब क्या खूबसूरत रास्ता है यार। By the way, that road goes straight towards the dam, I guess, जहाँ पे हम 101% sure कि वो लोग एंट्री अलाउ नहीं करते। ओके तो थोड़ा बहुत इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि वहाँ से ना एक छोटा सा ऑफ रोड जाता है जो कर लेगा अपना निम्बस। पूरा लेक जो है ना वो कमल के फूलों से भरा हुआ है, ठीक है। और दूसरे साइड ये है तानसा लेक। क्या सही जगह है, नहीं ऑसम यार। सोलो राइड में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ना रोड खुद ढूंढना पड़ता है। वाओ जो स्लिप मार रही है ना, चलता काम कर हिम्मत को इधर ही खड़ा कर देते हैं और अपन चलते जरा आगे। या फिर मैं गलत वाले पे आ गया हूँ, बट या लेट इट बी मैन, आई डोंट रियली गिव अ डैम अबाउट इट राइट नाउ। वाओ डेली लाइफ से जितने भी परेशान आत्मा घर पे बैठे बैठे सोच रहे कि तानसा लेक आएंगे घूमने के लिए, तो जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस, इतनी जल्दी मत आना, अक्टूबर आने दो। थोड़ा पानी दिख रहा है, ओके सॉरी, या इसका पेस्ट रखें, वो पीछे जो पानी है ना थोड़ा उसको नीचे जाना चाहिए, ठीक है। जाएगा तब चले आना इधर, प्लेस इज़ रियली ऑसम। और लोग पार्टी भी करते हैं बिकॉज वहाँ पे दारू की बोतलें पड़ी हुई है, तो आई थिंक अगेन। बट अगेन अक्टूबर में
समीर भाई के साथ आऊँगा बिकॉज रोड्स आर रियली नाइस। तो हम दोनों कैसे मतलब एक दूसरे के फ़ोटो निकाल सकते, सोलो आने में कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई फ़ोटो निकालने वाला साथ में होता नहीं है। ठीक है, टेक अ लुक एट द प्लेस नाउ। आई वॉज थिंकिंग कि टाइम लैप्स ले लूँ बट बादल नहीं है तो मतलब नहीं। मैं आगे नहीं जाने वाला, बाकी निम्बस को अपने उधर खड़ा किया हुआ है, वो वहाँ पे दिख नहीं रहा है। छोड़ो, ये इसके छोटे 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 फ्लावर्स। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मुझे बहुत मजा आया एंड आई रियली होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया। एंड इफ यू आर एवर प्लानिंग टू विजिट दिस प्लेस, प्लीज़ मेक श्योर कि यू नो ऐसी जगहों पर ना ऐसी शांति भंग ना हो। ठीक है, एंजॉय दिस प्लेसेस एज मच एज पॉसिबल बट इन पीस। ठीक है, क्योंकि वी मे नॉट बी एबल टू सी दिस एवर अगेन। जो सबसे सिविलाइजेशन अर्बनाइजेशन जो हो रहा है ना, इंसान की लालच इन चीज़ों को खाते जा रहे हैं। ठीक है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, आज के लिए रिजर्व फॉरेस्ट है, कल अगर ज़रूरत पड़े तो इन चीज़ों को अपनी व्हाट इज इट कॉल्ड स्वार्थ, उसके लिए ना इंसान इसे तोड़ने से पहले एक बार भी सोचेगा नहीं। ठीक है, सो इट इज़ अप टू अस, इट इज़ अप टू द करंट जनरेशन टू मेक श्योर दैट दिस प्लेसेस आर नॉट रूट। ओके, तो इसी थॉट के साथ आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बी लिमिटलेस।